नमस्कार दोस्तों, लाइव लगातार देख रहे हैं आप बॉलीवुड के बेताज बादशाह, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। शाहरुख ने आज अपने फिल्मी करियर के 29 साल पूरे कर लिए हैं। 1992 में फिल्म दीवाना के साथ अपनी करियर की शुरुआत करने वाले शाहरुख ने आज कई लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। हर उम्र के लोगों में उनके फैंस हैं। क्योंकि ये दिन खास है तो शाहरुख खान भी भावुक हो गए। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की और लोगों का आभार व्यक्त किया। शाहरुख अपने नाना नानी के साथ रहते थे। उनके नाना मैंगलोर पोर्ट के मुख्य अभियंता थे। हार्बर हाउस जहां मैंगलोर में वो रहे, आज उसे देखने टूरिस्ट पहुंचते हैं। शाहरुख जब 15 साल के थे तब कैंसर से उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। वो जब 14-15 साल के थे तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गए। बाद में वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। उन्होंने कई बिजनेस में हाथ आजमाए लेकिन असफल रहे। शाहरुख खान की पहली कमाई 50 रुपए की थी जो उन्होंने पंकज उदास के कंसर्ट के दौरान कमाया था। इस कमाई के पैसे से वो ट्रेन से आगरा गए थे। दिल्ली में ये लेक टंडन थे जिन्होंने 1988 में उन्हें दिल दरिया सीरियल में काम दिया। उनकी शर्त थी कि शाहरुख को अपने बाल कटाने होंगे। शाहरुख जब छोटे थे तो उनकी सेना में जाने की तमन्ना थी और उन्होंने आर्मी स्कूल कोलकाता में एडमिशन भी लिया, लेकिन उनकी माँ इसके लिए राजी नहीं हुई। वहीं दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख का पहला टीवी सीरियल फौजी था। इतना ही नहीं, एक आर्मी वाले की बेटी गौरी छिब्बा के स्कूल के दौरान ही शाहरुख की उनसे मुलाकात हुई। एक डांस पार्टी के दौरान दोनों की आपस में बातचीत हुई, तब से दोनों में रिश्ता पनपने लगा। एक बार जब गौरी अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने मुंबई गई तो शाहरुख खान भी मुंबई पहुंच गए। बिना ये जाने कि उन्हें वो कहां ढूंढेंगे, वो जानते थे कि उन्हें तैराकी पसंद है। वो मुंबई के सभी समुद्री तटों पर उन्हें ढूंढते रहे और अंत में एक बीच पर उन्हें तलाश लिया। उस दौरान रात को उन्हें रेलवे स्टेशन पर अपनी रात गुजारनी पड़ी। इन दोनों की शादी 25 अक्टूबर 1991 को हुई। शाहरुख को गौरी से मुलाकात की तारीख 9 सितंबर 1984 याद है। ये वही तारीख है जब उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था। वागले की दुनिया सीरियल में काम करने के बाद शाहरुख को टीवी सीरियल सर्कस में रेणुका सहाने के साथ काम का मौका मिला। तब उनकी माँ बेहद बीमार थी और उन्हें दिल्ली में बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अपनी माँ को सर्कस का एक एपिसोड दिखाने की खास अनुमति ली, लेकिन वो इतनी बीमार थी कि शाहरुख को पहचान तक ना सके। अप्रैल 1991 में उनकी मौत हो गई। माँ के निधन के दर्द से उबरने के लिए शाहरुख एक साल के लिए मुंबई आए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। शाहरुख कठिन मेहनत के लिए जाने जाते हैं। वो केवल 4 से 5 घंटे सोते हैं। उनका फेवरेट लाइन है कि सोना जीवन को बर्बाद करना है। शाहरुख अपनी बेटी के लिए एक किताब लिख रहे हैं जिसमें वो एक्टिंग पर अपना नजरिया बताएंगे। अनुपम खेर की टीवी शो में उन्होंने अपनी किताब के नाम का खुलासा किया, टू सुहाना ऑन एक्टिंग फ्रॉम पापा। शाहरुख के जन्म के समय उनकी दादी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रखा था, पर जब स्कूल जाने की बात हुई तो उनके पिताजी ने ये नाम बदलकर शाहरुख रख दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि शाहरुख की बहन का नाम लाला रुख है और वह उनकी बहन से मिलता जुलता नाम ही उन्हें देना चाहते थे। शाहरुख के लिए कभी हाँ कभी ना फिल्म काफी इम्पोर्टेंट थी। शाहरुख को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने डायरेक्टर से फिल्म के लिए 25,000 फीस ही चार्ज ली और उन्होंने कहा कि बाकी के पैसे आप फिल्म के बजट में लगा दो। शाहरुख ने इस फिल्म की टिकट भी थिएटर के बाहर खुद बेची थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और खासकर शाहरुख के फैंस को तो और भी ज्यादा। जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।